नमस्कार, मैं अनुराग कौशिक पब्लिकेशन न्यूज चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मित्रों, आज की प्रस्तुति का विषय है हिंदू धर्म के सात सर्वशक्तिमान मंत्र एवं उनका महत्व। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि दयानिधि सज्जन पीरा। अर्थात जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है, दुष्टों का प्रभाव बढ़ने लगता है, तब सज्जनों की पीड़ा हरने के लिए प्रभु का अवतार होता है। गीता जी में भी कहा गया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब मैं आता हूं। जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूं। सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूं, दुष्टों के विनाश के लिए मैं आता हूं, धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूं और युग युग में जन्म लेता हूं। वासुदेव सुतम देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। जिस प्रकार से सामान्य जीवन में कुछ विशिष्ट की कभी कभी आवश्यकता पड़ती है, या जिस प्रकार से अस्वस्थता की स्थिति में कभी औषधि भी लेने की आवश्यकता होती है, ठीक इसी भांति से परमात्मा की कभी कभी विशिष्ट कृपा की आवश्यकता पड़ती है और उसी विशिष्ट कृपा की प्राप्ति हेतु उनके मंत्रों का जाप किया या करवाए जाने का प्रावधान हमारे ऋषि मुनियों ने निर्धारित किया है। मंत्र। मित्रों, मंत्र शब्द की उत्पत्ति दो संस्कृत विशाखाओं से होती है, जिनमें से एक मनस है जो मन को दर्शाता है, दूसरा त्रय है जो किसी यंत्र को दर्शाता है। मूल रूप से मंत्र मन के एक उपकरण के रूप में कार्य करता है, जो एक शक्तिशाली ध्वनि या कंपन पैदा करता है और जो हमें गहन ध्यान की सुविधा प्रदान करता है। मंत्र शब्द की उत्पत्ति किस के लिए की गई? मित्रों, मंत्र शब्द की उत्पत्ति संभवतः भय के कारण या उस परम सत्ता में विश्वास के कारण हुई है। आदिकाल में मंत्र और धर्म में बड़ा संबंध होता था। सभी ओर से निराश प्राणी उस परमात्मा को पुकारता, उनसे अनुनय विनय करता और इस प्रार्थना को एक प्रकार का मंत्र माना जाता था। मनुष्य का ऐसा विश्वास था कि प्रार्थना के उच्चारण से कार्य सिद्धि हो सकती है। मंत्रों का प्रयोग सनातन धर्म में आध्यात्म की ओर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया जाता है। यह हमारे शरीर के चारों ओर एक कवच की तरह कार्य करते हैं। हर मंत्रों का अपना महत्व है। कुछ मंत्रों का जाप शत्रुओं से सुरक्षा पाने के लिए किया जाता है, तो वहीं
कुछ का प्रयोग भगवान का आह्वान करने के लिए किया जाता है। सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवताओं की प्रेम श्रद्धा एवं भाव से पूजा की जाती है। धार्मिक शास्त्रों में भी सभी देवी देवताओं की भक्ति के अलग अलग मंत्रों का उल्लेख किया गया है। इन पवित्र मंत्रों के जाप से मनुष्य को स्वास्थ्य, बुद्धि, शौर्य, धन, सफलता और समृद्धि आदि से संबंधित लाभ प्राप्त हो सकते हैं। मंत्रोच्चारण से व्यक्ति के शरीर में ध्वनि तरंग की एक ऐसी शक्ति प्रवाहित होती है जो वायु और श्वास के माध्यम से मानव के शरीर में प्रवेश करती है। मनुष्य के मन की स्थिति को शांत कर मानसिक एकाग्रता उत्पन्न कर व्यक्ति को हृदय रोग, वायु रोग, श्वास, रक्तचाप व मधुमेह आदि गंभीर बीमारियों से मुक्ति दिलाती है एवं व्यक्ति के जीवन का सर्वांगीण विकास करती है। हिंदू धर्म के 7 सर्वशक्तिमान मंत्र एवं उनका महत्व। मित्रों, मंत्रों का अर्थ शब्दों के एक समूह से नहीं मिलता है, यह एक औषधि है। जब व्यक्ति के मन में अति अनावश्यक विचारों का खंडन होता है तो उसके मन में चिंता, भय, क्रोध आदि उत्पन्न होता है जो केवल मंत्रों के माध्यम से ही शांत किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि यहां वर्णित मंत्र ही सर्वशक्तिशाली हैं, बल्कि ईश्वर को समर्पित किए गए सभी प्रकार के मंत्र पवित्र हैं एवं शक्तिशाली हैं। किंतु मैं आज आपको यहां 7 मंत्रों का उल्लेख करने का प्रयास कर रहा हूं जिनके माध्यम से भारतीय जनमानस द्वारा जप करना परम पवित्र स्वरूप माना गया है और इन मंत्रों के माध्यम से वे भगवान को और उनकी संपूर्ण महिमा को एक रस कर देता है। तो प्रस्तुत है 7 शक्तिशाली मंत्र और इन मंत्रों की श्रेणी में सर्वप्रथम आता है स्थान ओंकार। ओम मंत्र के जाप का महत्व और इसकी वास्तविकता जानिएगा। ओम या ओंकार परमात्मा ईश्वर उसके मुख से निकलने वाला यह पहला शब्द है जिसने इस संसार की रचना में प्राण डाले। ओम की 3 मात्राएं हैं, अकार, उकार और मकार, जो प्रकृति के 3 गुणों अर्थात सत, रज और तम का प्रतिनिधित्व करती है। अकार सतोगुण को, उकार रजोगुण को तथा मकार तमोगुण की प्रतीक मानी गई है। ओम एक ऐसा मंत्र है जिसे मनुष्य कभी भी, कहीं भी, किसी भी समय उपयुक्त स्थान पर जप कर सकता है। यह किसी विशेष जादू की तरह दिखता है। मनुष्य का साक्षात्कार उस परम सत्ता से, उस सत्ता के द्वारा परम शक्ति से परिचय कराने का एक सफल मंत्र है। इस शब्द में इस शक्तिशाली मंत्र ओम के जाप से व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। इस पवित्र मंत्र के नियमित जप से मानसिक शांति प्राप्त करके एकाग्रता में वृद्धि और स्मृति कोश में उत्तम लाभ प्राप्त किया जा सकता है। ओम से ही प्रत्येक मंत्र का प्रारंभ होता है। ओम स्मरण जप करने में अत्यधिक सरल मंत्र है। दूसरा स्थान है ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय मंत्र का अर्थ शुद्ध सनातन धर्म में भगवान शिव को देवों का देव, महादेव कहा गया है, भोलेनाथ कहा गया है और ओम नमः शिवाय को एक महामंत्र माना गया है। इसे शिव पंचाक्षर मंत्र भी कहते हैं। ओम तो प्रणव है ही, किंतु नमः और शिवाय 5 अक्षरों से मिलकर यह बना है। इस पंचाक्षर मंत्र को अत्यंत पुण्यदायी, मोक्षदायी कहा गया है, लेकिन कुछ लोग इस मंत्र का उच्चारण अलग तरीके से करते हैं। इसे ओम नमः शिवाय के स्थान पर ओम नमो शिवाय के रूप में करते हैं, किंतु मित्रों इनका अर्थ अलग अलग हो जाता है।
ओम नमः शिवाय का क्या अर्थ है मित्रों, मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। ओम को ब्रह्मांड का नाद माना गया है और ओम को ही सत्य स्वरूप सृष्टि का मूल तत्व माना गया है, जिससे सृष्टि की रचना का प्रारंभ होता है। ओम एक ऊर्जा या सत, जिसको अंग्रेजी भाषा में एसेंस बोलते हैं, वह है निराकार, अव्यक्त और अनंत ईश्वरीय सत्ता का प्रतीक है। और नमः का संस्कृत में अर्थ होता है ने मम, अर्थात ये मेरा नहीं है, किसी और का है। और शिव का अर्थ होता है कल्याण, शिवाय का अर्थ होता है कल्याण स्वरूप ईश्वरीय सत्ता। अब इस मंत्र का पूरा अर्थ यदि हम करते हैं तो ओम नमः शिवाय से अर्थ निकलता है कि ओम अर्थात सत स्वरूप ऊर्जा शक्ति, जिसका मैं जप कर रहा हूं, उसका फल मेरा नहीं है, बल्कि शिवाय अर्थात कल्याण स्वरूप ईश्वरीय सत्ता या ओम को समर्पित है। भक्त इसी भाव से इस महामंत्र का जाप करता है कि ओम से निकलने वाली ऊर्जा या नाद को मैं कल्याण स्वरूप ईश्वर स्वरूप ओम या सत को समर्पित कर रहा हूं। भगवान शिव को यह दर्शाता है। ओम नमः शिवाय के इस पवित्र मंत्र के माध्यम से भक्त भगवान शिव का जप करते हैं, जिसका अर्थ है हे भगवान शिव, हे भोलेनाथ, मैं आपका शरणागत हूं। इस प्रकार से भक्तों द्वारा भगवान शिव का सात्विक मन से स्मरण करने और ओम नमः शिवाय का जप करने से भगवान से अनुरोध किया जाता है कि व्यक्ति पर अपनी कृपा बनाए रखें और व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्रदान करें, सद्बुद्धि दें, जिससे व्यक्ति के द्वारा मंत्र का जप हो सके तथा साथ ही उसके चित्त अर्थात मन पर अच्छा नियंत्रण प्राप्त हो सके। तीसरे स्थान पर है ओम गणपतये नमः। श्री विघ्नहर्ता अर्थात भगवान गणेश को समर्पित यह शुभ मंत्र ओम गणपतये नमः का हिंदू धर्म में अत्यंत महत्व है। जिस प्रकार से किसी भी प्रकार के कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व भगवान गणेश की पूजा करने का महत्व है, उसी भांति से भगवान गणेश को प्रसन्न और स्मरण करने के लिए इस मंत्र का विशेष स्थान है। इस शक्तिशाली मंत्र के जाप से व्यक्ति के सभी कष्टों में शारीरिक, मानसिक और हर प्रकार की क्षमताओं में वृद्धि होती है। यदि विद्यार्थीगण इस मंत्र का जप करें तो उनका दृढ़ संकल्प और उनकी इच्छा शक्ति में सुधार हो सकता है, शिक्षा पर ध्यान केंद्रित हो सकता है। ओम गणपतये नमः मंत्र का उपयोग गणपति का आशीर्वाद प्राप्त करने और उनकी शांति, ज्ञान और समृद्धि का लाभ उठाने के लिए किया जाता है। चौथे स्थान पर ओम लक्ष्मी नमः, संस्कृत भाषा में ओम श्रीं महालक्ष्मी नमः। यह एक मंत्र है जो धन की देवी श्री लक्ष्मी माँ को से सांसारिक और आध्यात्मिक समृद्धि दोनों प्रकार की शक्तियों को प्रदान करने का आह्वान करता है। इस मंत्र का अर्थ है कि हे महान लक्ष्मी, आपको मेरा सादर नमस्कार है। माँ लक्ष्मी को समर्पित शक्तिशाली मंत्र ओम लक्ष्मी नमः का मंत्रोच्चारण करने से माँ लक्ष्मी को उनकी अनुकंपा प्राप्त करने के लिए भक्तों द्वारा सच्ची निष्ठा का भाव दिया जाता है। माँ लक्ष्मी का स्मरण करने और माँ लक्ष्मी के मंत्रों के जाप करने से व्यक्ति के घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और धन धान्य ऐश्वर्य वैभव और व्यापार में सफलता, वृद्धि का सौभाग्य आदि प्राप्त होता है। पांचवें स्थान पर मंत्र है ओम श्री कृष्णाय शरणम ममः। हमारे अंदर अहंकार का उदय न हो तथा दीनता का भाव सदैव सुदृढ़ बना रहे, इसके लिए ही श्री कृष्ण शरणम ममः अर्थात मेरे लिए एकमात्र श्री कृष्ण ही शरण है।
रक्षक हैं, आश्रय हैं, वही मेरे लिए सर्वस्व हैं। मैं आपका दास हूँ प्रभु, आप ही मेरे स्वामी हैं और मैं आपकी शरण में हूँ। इस प्रकार से की गई प्रार्थना से हम में दीनता बनी रहती है तथा अहंकार का उदय नहीं होता। भक्तों द्वारा भगवान श्री कृष्ण को समर्पित यह मंत्र ओम श्री कृष्णाय शरणम मम, विशेष रूप से मनुष्य के शारीरिक एवं मानसिक विकास में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस मंत्र के माध्यम से भक्त कहता है कि मनुष्य को हे भगवान मोक्ष की प्राप्ति हो और मुझे अंदर मोक्ष की इच्छा प्रबल हो ताकि मुझे स्थायी रूप से सुख शांति की प्राप्ति होने की संभावनाएं बढ़ें। छठे स्थान पर मंत्र आता है ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। इस मंत्र का अर्थ है कि हम भगवान शिव जी की पूजा करते हैं जिनके तीन नेत्र हैं जो कि सुगंधित हैं और हमारा पोषण करते हैं। जिस प्रकार से पकने पर फल वृक्ष की शाखा के बंधन से स्वतः ही मुक्त हो जाता है, वैसे ही हम भी हे प्रभु हे भोलेनाथ मृत्यु और नश्वरता से मुक्त हो जाएं। संपूर्ण सृष्टि के जीवन के रक्षक त्रिलोकीनाथ भोलेनाथ भगवान भोलेनाथ शिव को समर्पित यह मंत्र अत्यंत ही शक्तिशाली है। शिव पुराण जैसे महाग्रंथ में भी इसका वर्णन किया गया है। इस मंत्र के जाप से भक्तों को ईश्वर से जीवन भर का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान शिव की भक्ति के माध्यम से उनका स्मरण करने पर उस भक्त को जरा जन्म अर्थात जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त होती है और उस भक्त के लिए मोक्ष के कपाट खुल जाते हैं। इसको सर्वशक्तिमान बनाने के लिए इसमें संपुट बीज संपुट लगाया जाता है, वह भी मंत्र में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। मंत्र यही रहेगा, केवल प्रारंभ और अंत में थोड़ा सा परिवर्तन है। ओम हौं जों सः ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम सजूं हौं ओम। इससे मंत्र महाशक्तिशाली बन जाता है और अत्यधिक प्रभावशाली हो जाता है। सातवां स्थान आता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान विष्णु को यह पवित्र मंत्र अर्पित किया जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः अर्थात मैं भगवान वासुदेव या भगवान विष्णु को साक्षात प्रणाम करता हूँ। यह मंत्र सर्वोच्च अनंत आत्मा या व्यक्ति को संदर्भित करता है। इसके माध्यम से मुख्य रूप से भगवान विष्णु को नमन किया जाता है। इस मंत्र के जाप से जन्म कुंडली के अशुभ चिन्हों को शांत किया जा सकता है तथा शांत चित्त से कार्य में सफलता प्राप्त कर आध्यात्मिक ऊर्जा एवं शारीरिक ऊर्जा का अनुभव किया जा सकता है। तो मित्रों, ये थे सात महाशक्तिशाली मंत्र। यहाँ पर ध्यान देने योग्य कुछ तथ्य मैं आपको बता रहा हूँ। निसंदेह यहाँ पर वर्णित मंत्र सर्वशक्तिशाली हैं, किंतु सभी मंत्रों का अपना अलग अलग स्थान एवं महत्व है। इन मंत्रों का जो वर्णन किया गया है, इनका जाप किसी विशेष अवसर की प्रतीक्षा में नहीं किया जाता। इनका लाभ लेने के लिए ऊपर दिए गए सभी मंत्रों का जप निर्धारित मात्रा में किसी भी समय किया जा सकता है, किसी विशिष्ट अवसर के अवसर पर ही नहीं। तो बने रहिएगा हमारे साथ पब्लिक एशिया न्यूज चैनल पर इसी प्रकार की धार्मिक जानकारियों के लिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय जय श्री सीताराम।